www.meannewsmenu.com. Get your personalized aprons and t-shirts at ilogo.in. meannewsmenu.com में आपका स्वागत है. आज हम बनाएंगे पोहा. पोहा बनाने के लिए हम लेंगे पोहा 150 ग्राम, एक छोटी गाजर जिसे हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, 50 ग्राम मटर, आधा नींबू और थोड़ी सी करी लीव्स, एक छोटा कटा हुआ प्याज, दो हरी मिर्च, एक टेबलस्पून मूंगफली, एक चम्मच धुली हुई उड़द की दाल, एक चम्मच चने की दाल, एक सूखी लाल मिर्च, एक चम्मच सरसों के दाने, हल्दी एक चौथाई चम्मच, नमक एक चम्मच या स्वाद अनुसार, हींग चुटकी भर, रिफाइंड एक टेबलस्पून. अब हम शुरू करते हैं पोहा बनाना. पोहा की रेसिपी के अलावा आप मेरी और भी रेसिपीज meannewsmenu.com के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. सबसे पहले पोहा को हम किसी बड़े बर्तन में डाल लेंगे और इसमें पोहा से ऊपर पानी डालेंगे और दो मिनट के लिए इसे सोक करेंगे. इसके बाद इसको हम छाननी में छान लेंगे. अब हम पोहा बनाने के लिए तड़का तैयार करते हैं. सबसे पहले हम गैस चला के पैन को या कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और इसमें रिफाइंड डालेंगे. रिफाइंड को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे. हमारा रिफाइंड गर्म हो गया. इसके अंदर हम सरसों सीड्स डालेंगे. सरसों सीड्स को अच्छी तरह चटका लेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत कड़वाता है. इसके बाद लाल मिर्च, इसको भी फ्राई करने के बाद हम इसमें दाल डाल देंगे. दाल को भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और साथ साथ हम इसमें मूंगफली भी फ्राई कर लेंगे. मूंगफली भी हमारी फ्राई हो गई है. अब हम इसे प्याज डाल देंगे. हरी मिर्च, मटर और गाजर, इन सबको हम दो मिनट के लिए गलने तक भून लेंगे. इसके साथ हम इसमें करी लीव्स भी डाल देंगे. मैंने इसमें करी लीव्स अपने ही गार्डन की फ्रेश डाली है. आप इसे मार्केट से ड्राई भी ले सकते हैं. सब्जियों को दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे. इसके साथ ही नमक और हींग डाल देंगे. इन सबको मिक्स करने के बाद इसे दो मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सब्जियां सॉफ्ट हो जाए. हमारी सब्जियां गल चुकी हैं. अब हम इसमें पोहा डाल देंगे. तो पोहे को सब्जी में मिक्स कर लेंगे. सबसे लास्ट में हम इसमें नींबू निचोड़ लेंगे. हमारा पोहा बनके तैयार है. अब हम इसे सर्व कर लेंगे. पोहा की रेसिपी आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.